नए साल की पूर्व संध्या पर प्रख्यात कथा कलाकार पद्मश्री इमरान शाह के आवास पर शुक्रवार को एक पुस्तक का विमोचन किया गया। पद्मश्री इमरान शाह ने वरिष्ठ पत्रकार लेखक शिवकांत गोगोई की लॉकडाउन वी लीव एंड लर्न शीर्षक पुस्तक का अनावरण किया। प्रख्यात कलाकार ने 350 पन्नों की इस पुस्तक के अनावरण पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए असम के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ सभी से सावधानी बरतने का भी आग्रह किया। पुस्तक के लेखक शिवकांत गोगोई ने कहा कि इस पुस्तक में विभिन्न विषयों के साथ साथ लॉकडाउन ने मानव जीवन पर कैसा प्रभाव डाला है, इस विषय को भी सम्मिलित किया गया है। छोटे मोटे तरीके से आयोजित की गई इस अनावरण समारोह में संतोष दत्ता जू गोगोई सहित शिवसागर जिला साहित्य सभा के कई सदस्य मौजूद थे। मैं असम के धरी उत्तर पूर्वांचल केबाखनो राज्यर इंग्रजी बातरिकाकतत काम करिसिलो। प्राय 16-17 बछर मैं करिसिलो आरो हे समयत मैं विभिन्न विषय ऊपर प्रबंध पाती लिखिसिलो आरो हे लेखा समूह जुगुता एखन ग्रंथ आकारत मैं प्रकाश कर लियाइछो। एक किताबखनत केबाटाओ विषय सन्निविष्ट करा हैछे, विशेषकै अखमৰ राजनैतिक सामाजिक साहित्यिक और सांस्कृतिक जीवन गुरुत्वपूर्ण विवेचित कईटामान विषय ऊपर मैं विश्लेषणात्मक दृष्टिभंगी आलोकपात करिछो। एक ग्रंथखनत सन्निविष्ट हुआ और आन कईटामान विषय हल मोबाइल फोने आमार माजलै आनी दिया प्रत्याहवान, आमि केनेकै सुखी हब पारो, आरो प्रेम आरो रदाली कवि हीरेन भट्टाचार्यर गीति कविता, शंकरदेवर प्रासंगिकता, उत्तर पूर्वांचलত শিশু সাহিত্যৰ ভৱিষ্যত আৰু অসম সাহিত্য সভাক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বিতৰ্ক, এনেধৰণৰ কেইবাটাও বিষয় সামৰি এই গ্ৰন্থখন মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ से সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমান কি ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।